Students, now we will do our 8th chapter, a short monsoon diary. Short monsoon के ऊपर ये diary लिखी गई है Ruskin Bond के द्वारा, जो हमारे India के northern part के writer हैं, काफ़ी अच्छे, काफ़ी famous writer हैं. Ruskin Bond एक्चुअली रहते ही देहरादून के वहाँ से हैं, तो वहाँ पर से ही उन्होंने अपनी डायरी में, अब डायरी का मीनिंग क्या होता है, डायरी होती है मतलब डेली का, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप जो एक्टिविटीज़ करते हैं, मोस्टली लोगों को आदत होती है कि उसको एक डायरी में वो मेंटेन करके रखते हैं कि आज मैंने सारे दिन में क्या किया, तो शाम के टाइम पर उस सारे वर्क को लिख कर रखना, डेट वगैरह डालकर. तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं. बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट इज़ अ डायरी? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन द फ्यूचर. डायरी हम डेली का भी लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए भी, हम अपना फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी उसके अंदर इमिडिएटली कुछ चीज़ याद आती है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. और सबसे फेमस डायरीज पब्लिश्ड हुई है बुक, वो है डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी इन विच ही portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. यहाँ पर Ruskin Bond ने अपनी डायरी के थ्रू हमें कुछ miracles बताए हैं नेचर के, कुछ लाइफ स्टाइल बताया है, कुछ joys बताए हैं, कुछ regrets बताए हैं, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Come to the first part, June 24th का दिन है. द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, पहला दिन है मानसून की धुंध का. मिस्ट मीन्स धुंध. एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स. और जैसे ही, क्योंकि फर्स्ट डे है तो सारी चिड़िया जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट हैं, जैसे वो देख रही हूँ कि मिस्ट है वो किस तरह से क्लाइंब करती है हिल के ऊपर. क्योंकि आप हिली एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ पे, यहाँ पे हमें धुंध दिखाई देती है बिल्कुल स्टेबल, बट जब हम हिली एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमें धुंध जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ती हुई दिखाई देती है हवा की वजह से. तो वह धुंध किस तरीके से मतलब कि क्लाइंब कर रही है हिल्स के ऊपर, बर्ड्स बड़े साइलेंटली उसको जैसे देख रहे हैं. परहैप्स दैट्स व्हाट मेक्स द मिस्ट सो मेलनकोली. तो इसी, ये जो नज़ारा है ये उसको मतलब कि सब कुछ उसने ऐसा शांत कर दिया है, सब कुछ एकदम से शॉक में आ गया है, क्योंकि अब आज से मॉनसून शुरू हो रहा है. तो कुछ लोग जो हैं वो फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं, तो हर किसी को मतलब कि दुखी और उदास कर दिया, जैसे उसने एकदम शांत वातावरण किया. नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ना सिर्फ वो क्या कर रही थी, हिल्स को कवर कर रही थी, छिपा रही थी, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू. वो साथ के साथ एक खामोशी का ब्लैंकेट भी उन पर डाल रही थी. ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड्स सॉन्ग. एक घंटे के बाद बर्ड्स जो हैं उन्होंने अपना चहचहाना शुरू किया. एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज टू इट वर मेडनाइट. और जो फॉरेस्ट था, क्योंकि जब ऐसे मिस्ट वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ तो पेड़ काफ़ी होते हैं हिली एरियाज़ के अंदर, और सूरज जो है वो दिखाई नहीं देता, तो अंधेरा सा छाया हुआ था, तो ऐसा लग रहा था जैसे फॉरेस्ट जो है उस पर जान ही नहीं है, मतलब कि मिडनाइट का टाइम है, रात का टाइम है, और वो बहुत ही प्राणघातक लग रहा था, डेथली लग रहा था. थ्रू द मिस्ट बीजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर. और उस मिस्ट के अंदर, धुंध के अंदर, बीजू जो है वो अपने सिस्टर को बुला रहा था. आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम.
मुझे ये पता कैसे चला कि बिजू अपनी सिस्टर को बुला रहा है, क्योंकि मैं उसकी आवाज़ तो सुन सकता था बट वो हिल साइड की तरफ रन कर रहा है, वो मैं देख नहीं पा रहा था। नाउ नेक्स्ट डे विल कम June 25th, सम जेन्युइन अर्ली मानसून डे। 25th को क्या हुआ, नेचुरली जो अर्ली मानसून की रेन होती है वार्म एंड ह्यूमिड, मतलब कि थोड़ी सी गर्माहट थी उसके अंदर क्योंकि जून का टाइम था और साथ में ह्यूमिड थी, नमी थी, एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। जो बारिश हुई थी, कोल्ड हाई एल्टीट्यूड तो था नहीं स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल द ईयर, जो पूरे साल होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी बारिश हुई थी, थोड़ी सी हमें सरसराहट सी ठंड की लगनी शुरू हो जाती है। और ये प्लांट्स को भी जैसे पता चल गया हो, और द फर्स्ट सबसे पहले जो है कि कोबरा लिली जो प्लांट्स हैं उसने अपना बैकवर्ड साइड, रेयर्स मीन्स बैकवर्ड साइड, जो पिछवाड़ा भी हम इसके कहते हैं, वो अपना हेड जो है, हेड का पिछवाड़ा उसने ऊपर की तरफ किया फॉन, ऐसा मैंने देखा उसको फॉन के अंदर से। फॉन जो है एक फ्लावरलेस प्लांट होता है जिसमें फेदर होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, मतलब कि डंडी डंडी ऐसी होती है उसके अंदर, लीव चौड़ा लीव नहीं होकर वो स्टिक्स टाइप में, फर टाइप में होते हैं, ब्रश के जैसे वो होती हैं उस तरीके से। और ये उसने कब देखा, राइटर ने, जब वो वॉक कर रहे थे बैंक की तरफ और पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहे थे। द मिस्ट अफोर्ड्स अस सर्टेन प्राइवेसी, और मिस्ट ने जो है, धुंध ने क्या कर रखा था, एक प्राइवेसी मेंटेन की हुई थी, क्योंकि हम धुंध के अंदर जब चलते हैं तो कुछ हिस्सा ही हम देख पाते हैं, ज़्यादा दूर तक हम नहीं देख पाते, तो एक प्राइवेसी जो है वो मुझे लग रही थी। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। तो एक बच्चे ने, स्कूल बॉय था, उसने मुझसे कहा कि आप हिल स्टेशन एंड वैली को डिस्क्राइब करो सिर्फ एक सेंटेंस में। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और मैं और क्या कह सकता था, मैंने सिर्फ यही कहा, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बी, कि एक स्वर्ग जो शायद यहाँ था, क्योंकि उसको धुंध में मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ। June 27th, द रेन्स हैव हेरल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स अ लैपर्ड एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। रेन जो है वो अनाउंस कर रही थी कि मैं आ रही हूँ, अराइवल अपना बता रही थी, उसके साथ साथ जो है वो ये भी संदेश दे रही थी कि सम सीजनल विजिटर्स ऑल्सो कमिंग। और सीजनल विजिटर्स वहाँ पे कौन हैं, लैपर्ड है और लीचेस हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी में जोंक काफ़ी होती है, तो वो बारिश का मौसम जब शुरू होता है तो कंटिन्यूसली वहाँ पे बारिश होती है, तो वो जोंक वगैरह जो है वो ज़मीन में से निकलना शुरू हो जाती है। यस्टरडे आफ्टरनून द लैपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। और कल ही आफ्टरनून में लैपर्ड ने क्या किया था, अभी इनका पता कैसे चलता जब कोई हादसा होता है, तो यस्टरडे ही लैपर्ड ने क्या किया था, एक डॉग को सर्वेंट क्वार्टर्स जो स्कूल के पास में था वहाँ से एक डॉग को उठा लिया था। एंड इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूस का, और शाम के टाइम पर उसने बीजू की काऊ के ऊपर अटैक किया। बट फ्लड एट द अप्रोच ऑफ बीजूस मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। लेकिन जो काऊ थी वो बच गई, क्योंकि उसको नहीं पकड़ पाया, क्योंकि जो बीजू की मदर थी वो स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, मतलब कि चीखती हुई चिल्लाती हुई जो है चीखे मारने लग गई, तो लैपर्ड जो है उससे डर कर भाग गया। एज फॉर द लीचेस आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और जो लीचेस हैं, जोक हैं, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग
वो क्या करती हैं, ब्लड रिमूव करती हैं, मतलब कि जिसको वो चिपक जाती हैं, जिसकी बॉडी पर जहाँ पर भी चिपक जाएंगी वो उसके ब्लड को वहाँ से सक करना शुरू कर देती हैं एवरी डे। तो अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कर्ट मैनवर्स, द फीमेल्स आर येलो। और दूसरी जो अराइवल्स थे वो किन के थे, बर्ड्स के थे। स्कारलेट जो थी उसका जो एक ब्राइट रेड बर्ड है, कुकू की तरह होती है, और उसकी फीमेल जो होती है वो येलो कलर की होती है। फ्लिटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जर्स, और वो क्या कर रही थी, फुदक रही थी बिल्कुल साइलेंटली लीव्स के ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रिलियंट ज्वेल्स जो हैं वो फुदक रही। नो मैटर हाउ लीव्स द ट्रीज लीफी द ट्रीज दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कैंसिल देमसेल्व्स। कोई मैटर नहीं था कि लीफी ट्रीज थे, क्योंकि घने जंगल उनके वहाँ के जो पेड़ होते हैं उनमें काफ़ी लीव्स होते हैं, बहुत घने होते हैं, लेकिन उनका जो ब्राइट कलर था वो उनको छुपाने के में सफल नहीं हो रहे थे वो पेड़ भी। ऑल दो ही रिमेनिंग एब्सोल्यूटली साइलेंट, देन समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। लेकिन जब क्योंकि वो बिल्कुल साइलेंट थे, एब्सोल्यूटली साइलेंट थी, फुदक रही थी या छुपने की कोशिश भी कर रही थी, बट समटाइम्स वो उसके अंदर सक्सेस भी हो रही थी, क्योंकि अननोटिस्ड किया जा रहा जाए तो हम शायद ना देख पाए, लेकिन जब हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम वो दिखाई देंगे। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रैंगोस अननेसेसरली एग्रेसिव चेसिंग द मैनिवर्ड्स अमॉन्ग। दूसरा एक और बर्ड है, सॉन्ग बर्ड है विद अ स्टॉन्ट बिल, ड्रैगोस अननेसेसरी, वो भी जो है वो क्या कर रहा है, अननेसेसरली एग्रेसिव है वो उनको पकड़ने के लिए, चेसिंग द उनके पीछे, मतलब कि वो भाग रहा है। और थ्री टू द नेक्स्ट पेज, अ ट्री केपर मोस्ट रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। और जो ओक ट्रीज हैं वहाँ पे, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनके ऊपर क्रिपर्स जो होती हैं, जो खुद अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते, किसी का सहारा चाहिए होता है, तो क्रिपर्स जो है वो ओक ट्री, क्योंकि सीधे पेड़ होते हैं उनके साइड में, जहाँ पर भी उग जाती हैं वो उसी पेड़ पर चढ़ती हैं, तो वो उनके ट्रंक के ऊपर ऊपर की तरफ रैपिडली मूव कर रही थी, बहुत स्पीड, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। और सभी जगह पे जो है इंसेक्ट्स थे, नाउ दैट द रेन्स आर हियर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो अब काफ़ी पैदा हो गए थे, क्योंकि बारिश के मौसम में मोस्टली हो जाते हैं, नाउ दैट द रेन्स आर हियर, और अब हम कह सकते हैं कि बारिश जो है वो आ गई है। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, और अब इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए कोई कमी नहीं थी उनके फूड की। कम टू द सेकेंड पार्ट, अब ये तो उन्होंने बताया था हमें समर रेन के बारे में, नाउ कम टू जून की, अब सेकेंड पार्ट में वो बता रही हैं अगस्त सेकेंड कंसिडेंस, ऑल नाइट द रेन हैज बीन फॉलिंग ऑन द कॉर्गेटेड टिन रूफ, सारी रात बारिश होती रही, क्रमिंग वो आगमन था जून के आकर, अब अगस्त में जो है वो पूरे जोरों शोरों पर बरसात, क्योंकि मॉनसून का टाइम है, तो वो क्या कर रही थी, क्योंकि हिली एरियाज़ के अंदर पोस्ट क्या कर रहे हैं, अपने जो छत है वो कॉर्गेट टीन से बनाते हैं, और उसके ऊपर जो जब बारिश की बूंदें गिरती है तो टप टप की जो बहुत तेज़ आवाज़ टीन के ऊपर जब पानी गिरता है तो वो बहुत ड्रम बीट्स की तरह होती है। There has been no storm, no thunder, just the steady swish of our tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. और ये जो है, मतलब कि पूरी रात ही बारिश चल रही थी, तो
ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर डाउनपोर में थे, जो हेल्प कर रहे थे कि अब आप घर के बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि बारिश बहुत तेज है और रास्ते वहाँ के बड़े खतरनाक घुमावदार होते हैं, तो आप आराम कीजिए भला या एट द सेम टाइम उसी टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, लेकिन उनको सोने भी नहीं दे रहे थे। सोने का मौसम बना दिया, बाहर नहीं निकल सकते तो लेटो भी ही, लेकिन तुम सो भी नहीं सकते। It is a good sound to hear by the rain outside the hut within, and although tinkles are given to stringing unaccountable aches, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. अब ये यहाँ पर थोड़ा सा शायरी थी उस पर लिखा है कि वो जो साउंड है वो ट्रम्पीट्स कर रहा था द रेन आउटसाइड जो थी और रूफ्स के ऊपर, और बाहर निकल नहीं सकते थे क्योंकि बारिश है, लेकिन फिर भी वो बारिश जो है वो मुझे छू रही थी, वो फील करवा रही थी, टच कर रही थी कि हाँ बारिश है। क्योंकि मौसम थोड़ा जब ज़्यादा घनी बारिश होती है तो मौसम थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है, हमारे आसपास की चीज़ें वो सिलनी शुरू हो जाती हैं। 3 अगस्त द रेन स्टॉप्स, पूरी रात बारिश हुई अगस्त को और दिन में भी। 3 अगस्त को रेन स्टॉप हुई, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल्स ऑन द लेफ्ट, ऑन माय लेफ्ट इज चॉपिंग अप स्टिक्स। जब बारिश बंद हुई तो क्लाउड्स जो है वो ब्रेक हुए बारिश की, और सन ने जो है वो एक साइड से अपने दस्तक दी, और मैंने देखा कि जो वुमेन है वो चॉपिंग मतलब कि स्टिक्स चुके हैं तोड़ रही है, कट कर रही है। आई हेयर द टेंकल ऑफ काउबेल्स, और जो काउबेल्स हैं उनकी भी मैंने आवाज़ जो है टेंकल्स जो उनकी आवाज़ सुन। इन द ऑक ट्री अ क्रो शेक्स द टेंकल्स फ्रॉम हिज फेदर्स एंड कॉज डिसकंसोलेटेड, और जो ऑक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ है वो क्या करता है, रेन ड्रॉप्स को शेक करता है अपने फैदर्स के ऊपर से, अपने पंचों के क्लॉज के ऊपर से, लेकिन वो अनहैप्पी है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम क्योंकि मौसम जो है वो अब सर्दी नुमा से होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा ठंड है, तो वो थोड़ा अनहैप्पी हो गया है। बारिश के ज़्यादा कम नहीं हो सकती है, वो नहीं हो सकते इसलिए वाटर ड्रिप्स फ्रॉम माय लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन एंड ड्रेन पाइप से जो वाटर है वो चला गया, सडनली सब कुछ क्लीन एंड क्लियर हो गया। द सॉन्ग ऑफ द फिजल थ्रश एमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट ऑफ द और जो सॉन्ग है विस्लिंग का, विस्लिंग मतलब कि आप जो है लोग अपने गाने लेते हैं डार्क स्वीट सीक्रेट ऑफ द, जो वैली है वो नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही है, एक चमक से रेन क्योंकि वैली की जो हिल्स के बीच में। अगस्त एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट, रेन जो है वो एंडलेस हो गई मतलब कि बिना हम लगातार बारिश होती है, एंड परमानेंट मिस्ट और जो होम क्योंकि हिली एरिया के अंदर जो बारिश होती है ना उसमें हम कुछ भी नहीं देख सकते, तो हर जगह पे जो है वो धुंध का छाया हुआ। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 or 9 days, और अगस्त 12 के दिन कि पीछे लास्ट 8 or 9 days से हमने सन देखा है। एवरीथिंग डार्क एंड सडन, हर चीज़ जो है वो सिलहन में आ चुकी है, और काफ़ी मतलब कि फंगस टाइप के भी हो जाते हैं, कपड़े सूखते हैं, हर चीज़ में बदबूदार हो जाती है, थोड़ी सी और डल डल से हो जाते हैं। नो वेयर टू गो, और कहीं जा नहीं सकते। प्लीज द रूम लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉटल्स, और बाहर भी अगर आप देखोगे विंडो से आपको चौंकास के एट लीस्ट इट इज नॉट कोल्ड, लेकिन वो कोल्ड का मौसम नहीं है, वो बरसात का मौसम है।
The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear. और लेट मानसून के फ्लावर्स से हिल साइड्स में आपको दिखाई देने लग जाते हैं, हमें फ्लावर्स हो जाते हैं, वाइट ब्लॉसम, डेलियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। ये अगस्त 12th की बात, अगस्त 31st को इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स पीक। आप जो खनगोर मानसून जो है The seeds of the cobra lily and red, cobra lily के जो seeds हैं वो लाल रंग के हो गए हैं, signifying that the plants are coming to an end। Information देते हैं कि बारिश जो है वो अब मतलब कि अपनी आखिरी पड़ाव पर। In a few days the ferns will start turning yellow। और जो ferns हैं वो भी क्या होते हैं, येलो कलर में टर्न होना शुरू करते हैं, बट राइट नाउ दे आर स्टिल ग्रीन एंड लेकिन अभी वो बिल्कुल खिले हुए हैं और ग्रीन हैं। आप गाइस ग्राउंड ऑर्चिड्स मोर लेडीज स्लिपर्स एंड द हाई बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन द फैशन डिस्प्ले ग्रेसी स्टॉप्स ऑफ और इनको जो है मतलब इनके फ्लावर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। मानसून हिली एरियाज के अंदर ज़मीन जो है बारिश का मौसम तो ऑलमोस्ट चलता ही रहता है, तो इस तरीके के काफ़ी सारे फ्लावर्स वहाँ पे देखने हैं। तो ऑर्चिड्स जो वो बगान वाले होते हैं, ऑर्चिड्स होते हैं, वो उसको फैशन डिस्प्ले में रखते हैं इन सभी फ्लावर्स को। वाइल्ड डेलियाज रेड येलो एंड मैजेंटा रेयर देयर हेड्स फ्रॉम रॉकी क्लिफ्स, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे उनको ना वहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और वो हर कोई अपने आप को सामने दिखाना चाहता है कि देखो मेरी उसमें बखान पर रॉक्स के अंदर से पथरीली जो जगह उनके पत्थर लगा के, क्योंकि वहाँ पर रास्ते वगैरह बनाए जाते हैं, घर भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, तो उनके बीच में से भी अगर उनको जगह मिलती है फ्लावर्स के पेड़ तो वहाँ से भी आ जाते हैं। स्नैक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड स्नैक्स एंड रोडेंट्स जितने भी ज़मीन के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं, स्नेक्स हैं, रेप्टाइल्स जितने भी हैं, रैट्स हैं, इस तरीके के रूल्स के बाहर आ जाते हैं, टेक शेल्टर इन रूल्स और वो रूल्स के अंदर रहना शुरू करके नीचे पानी भरना शुरू करके एथिक्स एंड गोडाउन्स के अंदर घुस के रूल्स के अंदर शो वीक ऑफ आई साइट ब्लंडर्स अबाउट द रूल्स मच टू बी अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर जो है आई साइट जो है अशो और इसी उसमें हम घर के अंदर जो है अशो जो है चुचुंदर के लिए बोला है, चुचुंदर के वो उसको दिखाई कम देता है तो वो लाइट की तरफ है। अब पेड़ों में तो वो रह नहीं सकता क्योंकि सब जगह अंधेरा हो गया है, तो उसको कम दिखाई देता है तो वो क्या करता है घरों में लाइट करना शुरू कर देता है। ब्लेंडर्स अबाउट द रूम मच टू बी अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चे जो हैं उसको बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके बाल में अगर वो चिपक गया तो उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। डोंट किल इट एडमोनिशस लेकिन ग्रैंडमदर जो कहती है कि उसको मत मारो क्योंकि चुचुंदर्स आ गया जो चुचुंदर्स घर में आते हैं लकी होता है देखा कैसा एंड श्योर। और मैं इस बात से सहमत भी हूँ क्योंकि आई रिसीव अ चेक इन द मेल, मुझे एक चेक मिला था मेल के थ्रू, नॉट अ वेरी लार्ज वन, ज़्यादा तो अमाउंट नहीं था बट वेलकम ऑल सी, लेकिन जो भी ऐसे किसी को बुरे नहीं होते जानने के लिए तो चेक मिला था मुझे, तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हाँ जो चुनकर जो है वो लकी होती है वो कैसा घर। नाउ अक्टूबर 3rd We have gone straight from monsoon into winter. सीधे हम मानसून से सीधे विंटर रेन में जाते चले जाते हैं, स्टेशन पर पता ही नहीं चलता और वो एकदम से विंटर रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफर्स्ट विद अ ब्यूटिफुल गोल्डन। इवनिंग में हेलस्टॉर्म की बर्फबारी होती है
और उस बर्फ़ के बाद द स्काई एंड हिल्स आर सर्फेस्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन, और जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो गोल्डन लाइट जो है उसमें चमक शुरू हो जाती है। कम टू द लास्ट पेज, जनवरी 26th, विंटर रेन्स ऑफ द हिल। जनवरी में विंटर रेन शुरू हो गई है। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट इन, अब जो सर्दी का जो साइलेंस रूम है वहाँ पर वो बैठे चुके हैं एंड माई फ्रेंड हियर हस्बैंड, जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड रहता था बट किस काम से भाग गया है, इट इज़ वेरी, उसके जाते ही एकदम से क्या हुआ, केला बन हो गया वेरी क्वाइट एज आई सिट इन लिक्विड साइलेंस, क्योंकि सर्दियों में तो वहाँ पर घूम फूम नजर आए, कोई चहल पहल नहीं कि जो जो घर होते हैं और काफ़ी पेड़ वगैरह होते हैं, एकदम से साइलेंस, साइलेंस वो दिन सराउंडेड बाय सिर्फ बारिश की आवाज़ और कुछ नहीं, ब्रीज ऑन लेमन्स ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन फ्रेश डेलियास एंड विंटर पेज, व्हाइल द मिल्स होल्ड्स द हाउस इन हर डार्क यस, हर चीज़ जो है वो धुंध से ढकी हुई है, घर के आस पास पूरा अंधेरा सा है क्योंकि सूरज को बहुत ठंड से टाइम बारिश जब हो रही है। सो एज आई पॉज नियर अ विंडो, जैसे ही मैं ऊपर के पास पहुँचा हूँ, द रेन स्टॉप्स एंड स्टॉप, रेन जो है शांत हो गई एंड स्टार्ट अगेन एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन पैक, ट्रीज जो हैं वो अब हरे नहीं होंगे, जो अगस्त में के जून होंगे वो भी अब जो है वो ग्रीष कलर होते रहे थे, मैनेंस मी विद देयर प्रोफाइल्स, और जैसे वो अकेले शाम के लिए खड़े इस तरह से मिलते। मार्च 23rd, लेट मार्च एंड ऑफ लेट मार्च में एंड ऑफ विंटर, एक हिल स्टेशन है वहाँ पर मार्च का एंड जो जो ख़त्म एंड पर आता है, लेकिन इतना एंड खत्म वहाँ पर डेली की खड़े हैं क्योंकि जैसे कि फैन ही चलाते हैं और एसी वगैरह जो है वो नहीं चलाते। द ब्लैकेस्ट क्लाउड मैंने वो पर सीन क्वार्टेड ओवर मसूर, and then it hailed marbles for half an hour, nothing like a hailstorm in the clear sky, even as I write I see a green roof fog. The blackest cloud jo wo wahan par ab Missouri ke andar the blackest clouds of India ke actually half an hour, nothing like a hailstorm, ab hailstorms nahi hai, clear sky hai aur light to kehta hai जैसे ही मतलब कि होता है वहाँ पर ये है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई हमारे हिल स्टेशन की कहानी, आई होप यू ऑल लाइक इट।